इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्म्स क्या होते हैं और क्या होता है इनपुट टैग फॉर्म के अंदर। फॉर्म को यूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कुछ वेबसाइट्स का, क्योंकि फॉर्म के थ्रू ही आप लोग डेटा सबमिट करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ये वो फॉर्म्स होते हैं जो कि आप लोग कॉन्टैक्ट पेजेस पर, गूगल फॉर्म्स पर या इंक्वायरी फॉर्म्स पर देखते हैं। फ्लाइट या रेलवे टिकट पर जो अपना डेट एंड टाइम, कहां से कहां तक जाना, ये सारी डिटेल्स हम डालते हैं, ये भी HTML फॉर्म्स के थ्रू ही सबमिट करते हैं। लास्ट वीडियो में बहुत कम लोगों ने लाइक करा था, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाई एनर्जी के साथ लाइक जरूर कर देना है इस वीडियो को, ताकि हाई एनर्जी थ्रू आउट द कोर्स हम लोग मेंटेन कर सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, इनपुट टैग्स के बारे में देखेंगे और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब देखो मैं यहाँ पर जल्दी से बनाने वाला हूँ एक फोल्डर जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ वीडियो 6, क्योंकि ये छठा वीडियो है। शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड करूंगा, ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ भी जल्दी से index.html और इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर मैं क्या करूंगा, व्यू वर्ड रैप करूंगा, स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन करूंगा और आप यहां पर देखो मैं लिखूंगा फॉर्म्स लेट्स लर्न इट। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल यहां पर सेट कर दिया है इस फॉर्म्स वाले पेज का। और टाइटल सेट करने से क्या हुआ कि जो टाइटल है वो एक्चुअल में दिखाई देगा हमारे पेज पर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं बताना चाहता हूं शो प्रीव्यू वाली। अब आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट में पॉइंट आउट भी किया था कि यार बार बार इतने क्लिक करने पड़ रहे हैं, तो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। यहां पर आप गियर पर क्लिक करो, नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करो और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करो, यहां पर लिखो लाइव प्रीव्यू और हम एक्चुअली इसको सेट कर सकते हैं सच दैट जब भी हम क्लिक करें तो क्या हो कि एक्सटर्नल ब्राउजर पे खुले ये। ठीक है, तो अब देखो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा ये खुलेगा एक्सटर्नल ब्राउजर पे और मैं अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ और सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो आए एक्सेस ज़रूर कर लेना है क्लिक करके स्टार पे और यहाँ बुकमार्क पे। लेकिन अभी मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे आप देखो ये खुल गया। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर लो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप साइड बाय साइड व्यू भी प्रेफर करना चाहोगे, और वो कब करना चाहोगे जब आप एक्चुअल में HTML CSS का इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन पे काम कर रहे हो। तो जब भी आप डिज़ाइन पे काम कर रहे हो डेफिनेटली आप लोग चाहोगे कि आपको लाइव प्रीव्यू उसका दिखता रहे। यहाँ पे व्हिच इज़ व्हाई दिस एक्सटेंशन वॉज मेड, और ये लाइव सर्वर से डिफरेंट बनाई गई थी इसीलिए कि यार साइड में ये आपको प्रीव्यू दिख जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। फॉर्म क्या होता है, नाम आपको पता है फॉर्म का मतलब होता है, जैसे रेलवे का फॉर्म होता है, हम भरते हैं जाके उससे हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग IIT JEE का फॉर्म भरते हैं, नीट का फॉर्म भरते हैं, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं ताकि हमारा डेटा पहुंच सके उन तक जिसको चाहिए। ठीक है, तो ये होता है फॉर्म। HTML फॉर्म टैग होता है। आप जैसे ही फॉर्म लिखोगे एंटर मारोगे इस तरह से आपसे पहला सवाल पूछेगा एक्शन क्या है आपके फॉर्म का, गेट या पोस्ट। गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में एक बहुत ही क्विक डिफरेंस बताता हूँ, कहने को मैं हम आगे इस चीज़ को देखेंगे जब बैकएंड पढ़ेंगे। गेट रिक्वेस्ट बहुत सिंपल रिक्वेस्ट होती है और पोस्ट रिक्वेस्ट तब हम भेजते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेज जब हमें बहुत सारा डेटा भी देना होता है। जैसे जब भी फॉर्म हमारा पोस्ट होगा तो हम मोस्ट ऑफ द केसेज में पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी जो रिक्वेस्ट होती है कि यार बस हमें सर्वर को बताना है कुछ और दैट्स इट, या फिर हमें सर्वर को हिट करना है एक रिक्वेस्ट से, दैट्स इट। बट अगर आप लोगों को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई दैट शुड बी फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसको तो हम डिटेल में यार करने वाले हैं अभी आगे। तो फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू पोस्ट मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं इसके अंदर कुछ इनपुट टैग्स दिखा सकता हूँ। इनपुट टैग्स आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या होते हैं, कि आपके फॉर्म के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि आप डेट डाल सकते हो, आप फॉर्म के अंदर डाल सकते हो कि नाम बताओ, आप कह सकते हो फ़ोन नंबर बताओ, आप ये कह सकते हो कि आपकी एज क्या है, वो सिर्फ नंबर हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आप फॉर्म में डालना चाहोगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनपुट टैग जो होता है फॉर्म के अंदर आप लोग डालते हो, और एक लेबल टैग होता है जो कि उस इनपुट को लेबल करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप देखो जो सबसे सिंपल इनपुट टैग होता है वो होता है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट वाला इनपुट यहाँ पर डाल दूंगा और आप यहाँ पर देखो, मैं अगर आप लोगों को जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम है, प्लेस होल्डर एंटर योर यूजर नेम है, और ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो एंटर योर यूजर नेम और जो सामने वाला आपका यूजर है उसको यूजर नेम एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक H1 लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो फॉर्म टू अप्लाई फॉर TA फॉर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स TA। मान लो हम टीचिंग असिस्टेंट्स हायर कर रहे हैं सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के लिए,
तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बाय द वे मैंने सबटाइटल्स डाल दिए, अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो ये सबटाइटल्स हैं वो काफ़ी फनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बैच ओपी लिख देना और अपने गाँव की जमीन एंड गिव योर विलेज लैंड, मतलब कोई अंग्रेज वंग्रेज देख रहा है अगर इसको, या फिर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती हो, कहेगा भाई यहाँ तक तो ठीक था ही, क्या हुआ एंड गिव योर विलेज लैंड टू मी। मुझे काफ़ी इजी है इस चीज़ को देख के। खैर अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो H1 है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, जो कि हमारी हेडिंग है, हमारी मेन हेडिंग है। एंटर योर यूजर नेम, ये हमारा इनपुट टैग है। इनपुट टैग के साथ साथ हम लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये किसका लेबल है, तो फॉर इज इक्वल टू मैं इसकी ID लिख दूंगा, मान लो मैं लिखूंगा इसकी ID यूजर नेम, और फॉर इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, फॉर इज इक्वल टू मैं डाल दूंगा इसकी ID। अभी ID क्या होती है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक एलिमेंट का। इस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आपका जो आधार नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता, उसी तरह से ये ID यूजर नेम इसको मिल चुकी है, अब ये किसी और को नहीं मिल सकती, यही होती है ID। आगे और बताऊंगा डिटेल में, बट अभी इतना समझ लो। तो मैंने लेबल फॉर इज इक्वल टू यूजर नेम लिखा, इनपुट ये लिखा, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो लेबल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लेबल के अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है एक्चुअली, तो मैं डालूंगा एंटर योर यूजर नेम, और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ये डाला आपको यहाँ देखने को मिलेगा एंटर योर यूजर नेम, इसके बाद आप यहाँ पर यूजर नेम एंटर कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एंटर योर एक्सपर्टीज, कोई भी चीज़ डाल सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर ये पूछना है कि आपका जेंडर क्या है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, और आप देखो एंटर योर जेंडर, और जैसे ये किया यहाँ पर मेल या फीमेल में से मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी हम इसको डिव में रैप कर देते हैं। डिव क्या होता है, डिव होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को अभी तक इस कोर्स में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि एक न्यू स्पेस देने के लिए मैं इसको डिव में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको डिव में डालूंगा न्यू स्पेस में आ जाएगा। हाँ BR टैग भी होता है, ठीक है, BR टैग भी होता है जिससे कि लाइन ब्रेक आ जाता है, बट आई डोंट प्रेफर BR टैग एंड यू विल गेट टू नो वाई, क्यों हम BR टैग से अपने HTML को ब्लोट कभी नहीं करना चाहेंगे, ये आप लोगों को आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखो कि एंटर योर यूजर नेम, यहाँ पर मेल या फीमेल क्या है। अब आप यहाँ पर देखो जैसे ही मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेडियो बटन ये सेलेक्ट हो जा रहा है, मेल पे क्लिक कर रहा हूँ ये सेलेक्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लेबल है ना इसका, मैंने फॉर इज इक्वल टू फीमेल किया और यहाँ पर ID फीमेल डाली है, देख रहे हो आप लोग। और उसी के साथ साथ आप देखो मैंने इन दोनों के नेम सेम डाले हुए हैं, तो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू जेंडर मैंने इस इनपुट टैग को भी डाला, और नेम इज इक्वल टू जेंडर इस भी इनपुट रेडियो टैग को डाला। और जैसे ही यहाँ पर हमने टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखा है इसका मतलब ये रेडियो बटन है, और अगर इसके नेम हमने सेम कर दिए तो इन दोनों में से सिर्फ एक एट अ टाइम सेलेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो सिर्फ ये होगा, इसको सेलेक्ट किया तो सिर्फ ये होगा। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं लेबल के फॉर्म में जो ID है वो गड़बड़ कर दूँ, और यहाँ भी फॉर्म में ID मान लो पहले वाले में गड़बड़ नहीं करता हूँ, दूसरे वाले में मैं गड़बड़ कर दूँ, तो जब मैं दूसरे वाले के फीमेल पे क्लिक करूँगा देखो ये सेलेक्ट नहीं होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मेल पे क्लिक कर रहा हूँ सेलेक्ट हो रहा है, तो फीमेल को सेलेक्ट करने के लिए मुझे इसके यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इसे देख रहे हो आप लोग। तो मुझे करना क्या चाहिए, हमेशा फॉर इज इक्वल टू जो इनपुट टैग है उसकी ID डाल देनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने लेबल फॉर इज इक्वल टू फीमेल डाल दिया है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक इनपुट टैग होता है जो कि टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स होता है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स का इनपुट डाल दूँ, मैं ये काम डिव के अंदर इसको डाल के करूँगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जैसे ही मैं करूँगा हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ये बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि जो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह इंडेंट्स वगैरह हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, यहाँ पर इसको मैं चेक कर सकता हूँ। और रेडियो बटन और चेकबॉक्स में डिफरेंस ये होता है कि चेकबॉक्स को आप लोग चेक कर सकते हो, अलग अलग चेकबॉक्स को, यहाँ पर अगर आप चाहते हो मेल या फीमेल या फिर जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से एक आप दो तो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है और सेलेक्ट टैग होता है, और उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है। तो जो टेक्स्ट एरिया है और सेलेक्ट टैग है वो कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर जैसे ही कॉपी करोगे टेक्स्ट एरिया को और मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ एक्चुअल में टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के लिए ही काम करता है, लेकिन इसमें रोज़ और कॉलम एट्रीब्यूट होता है जो कि आप लोगों को इसके साइज़ को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। अब आप यहाँ पर देखो इसके अंदर का जो प्लेस होल्डर है वो मैंने दिया है एंटर योर कमेंट हियर, तो ये एंटर योर कमेंट हियर मैंने इसके अंदर का टेक्स्ट दिया है। आइडियली हम क्या करेंगे इसको खाली रखेंगे या फिर हम इसमें एटलीस्ट न्यू लाइन तो नहीं देंगे, तो मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ एंटर योर कमेंट हियर, और अब ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा, आपको मैं दिखाता हूं। तो ये लेफ्ट साइड में बिल्कुल पहुंच गया, देखो एंटर योर कमेंट हियर, और यहाँ पर कोई भी जो यूज़र है वो अपना कमेंट जो है वो डाल सकता है। अब आप देखो मैंने टेक्स्ट एरिया का जो कंटेंट है वो डाला है एंटर योर कमेंट हियर, तो आइडियली आप ये नहीं करना चाहोगे, टेक्स्ट एरिया को खाली रखना चाहोगे एंड एक लेबल लगाना चाहोगे, और आप कह सकते हो लेबल फॉर इज इक्वल टू कमेंट एंड डेफिनेटली ID डालेंगे हम यहाँ पर। जब भी फॉर डालते हैं तो फॉर के अंदर होती है जिस एलिमेंट के लिए है वो उसकी ID, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो एंटर योर कमेंट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्या होगा, एंटर योर कमेंट लिखूंगा तो एंटर योर कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कहोगे यार ये तो स्टाइल्ड ही नहीं है ढंग से, तो ये स्टाइल्ड इसलिए नहीं है ढंग से क्योंकि हम लोग इसको CSS से स्टाइल करेंगे बाद में। अभी के लिए मैं जस्ट BR टैग लगा देता हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड BR टैग, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये बात,
मैं बी आर टैक को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि बी आर टैक से होती हैं दिक्कतें। वैसे बी आर टैक आपको पता होना चाहिए, लाइन ब्रेक टैग है, इससे एक लाइन ब्रेक आ जाता है कुछ इस तरह का। अभी तो चीज़ें आपको सब कुछ सही लग रही होंगी, आप कह रहे हो यार बी आर टैक में क्या प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बताऊंगा बी आर टैक इज समथिंग दैट आई डोंट रिकमेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है यूज़ ही नहीं करना है, बट आई डोंट रिकमेंड यूजिंग इट ऑल द टाइम। मतलब क्या होता है ना, सबसे आसान काम लोगों को लगता है बी आर टैग लगा दो और न्यू स्पेसेस जो है ऐड करते जाओ। मैं इस चीज़ को काफ़ी अपोज करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट टैग आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। और आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैं सेलेक्ट टैग यहाँ पर डालूंगा, डिव के अंदर डालता हूँ, तो सेलेक्ट में क्या होता है कि आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सेलेक्ट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है, एप्पल, बनाना और चेरी में से आप कोई भी तीन में से एक यूज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो, तीनों में से कोई भी एक यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल किया, पहले सेलेक्ट टैग बनाया एक, उसमें नेम इज इक्वल टू फ्रूट्स दिया, फिर ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू बनाना, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू चेरी। जब हम इस फॉर्म के डेटा को पार्स करेंगे, तब मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में बताऊंगा किस तरह से इस डेटा को लेकर सर्वर पे भेजना है। तो फॉर्म के बारे में भी आगे बहुत सारी चीज़ें जो रह रही हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, ये था फॉर्म्स के बारे में। मैं मुझे आपको फॉर्म के सारे एलिमेंट्स बताने थे इस वीडियो में, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को सेलेक्ट टैग और ये सारी चीज़ें बताई हैं। फॉर्म के बारे में ये जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एक्शन है मैंने आपको बताया, आप एक्शन से किसी भी एक पेज पर सबमिट कर सकते हो फॉर्म, और कहाँ पर हैंडल करेगा फॉर्म को, तो वो डेटा आप यहाँ पर दे सकते हो। फिर मेथड होता है कि गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, बट मैंने आपको बहुत ही रफ वे में बताया है कि गेट रिक्वेस्ट एक बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट तब यूज़ की जाती है जब बड़ा बड़ा डेटा भेजना होता है सर्वर को, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट की लिमिट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट में आप बहुत सारा डेटा भेज सकते हो। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में हम पासवर्ड्स भी नहीं भेजते हैं कभी भी, हम पोस्ट रिक्वेस्ट की सहायता से ही भेजते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेथड मैंने बता दिया। नेम में क्या होता है, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, मतलब हम इसको मार्क करते हैं नेम से मार्क करते हैं, तो सर्वर को पता चल जाएगा कौन सी की के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर जो सर्वर को जाएगा वो नेम के हिसाब से जाएगा, इसकी नेम और वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे जब सर्वर साइड प्रोसेसिंग करेंगे। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, प्लेस होल्डर का मतलब इसके अंदर क्या लिख कर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, एंटर योर यूजर नेम प्लेस होल्डर है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये एंटर योर यूजर नेम इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, मैं कुछ भी लिखूंगा देखो ये आ गया, लेकिन एंटर योर यूजर नेम बस यहाँ पर बता रहा है मुझे कि यार इसके अंदर मुझे यूजर नेम डालना है। फिर इसके बाद रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको इसको रिक्वायर करना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगी वैल्यू इसकी, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो ये हम काफ़ी यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ऑटो फोकस आता है। ऑटो फोकस क्या करता है, ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली फोकस कर देता है कर्सर को, तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ ऑटो फोकस का कमाल। तो अगर आपने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टैग के अंदर ऑटो फोकस, ठीक है, तो एंटर या यूजर नेम में मैंने ऑटो फोकस लिख दिया, अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखो मैं इस पर टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो ऑटो फोकस करने से ये होता है कि आप जब भी टाइप करोगे यहीं पर टाइप होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को। अब वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया। पैटर्न आप दे सकते हो एक, जिसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न दे सकते हो। अब आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, आप ये मत कहना यार ये कैसी बातें करने लग गए, आप रेगुलर एक्सप्रेशन तो हमें आती ही नहीं है, तो यार मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा सारी चीज़ें। बस आप इतना समझ लो कि हम एक पर्टिकुलर पैटर्न ही एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमने पैटर्न इज इक्वल टू ये डाल दिया तो इस पैटर्न के अलावा आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है यार इस वीडियो में, और उसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी लिखकर ज़रूर दे देना, और पहले वीडियो में जाकर प्लीज़ रिव्यू कर देना इस कोर्स को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्री कोर्स होता है तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, कहते हैं यार ये कोर्स तो फ्री है तो यार इसको हम वॉच करें या फिर कोई पेड कोर्स ले लें। और उन लोगों के लिए भी एक नोट देना चाहूँगा जिन्होंने मुझसे कहा कि यार हमने पेड कोर्स ले लिया यार अब क्या करें, वो पैसे वसूलें या फिर हम सिग्मा बैच को ज्वाइन करें। यार आप लोग सिग्मा बैच को ज्वाइन करो, कट योर लॉसेज एंड सिग्मा बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार देखो ये कोर्स की क्या क्वालिटी है मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है आपको। तो आप लोग इसको आके करो, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्री है का मतलब ये मत समझ, यही कोर्स मैं आप लोगों को 10,000 रुपये का बेचने वाला था। यस, दैट वाज अमाउंट जो कि हमने फिक्स की थी, 10,000 रुपये का मैं बेचने वाला था आप लोगों को ये कोर्स। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग एनी कोर्स, कोई भी अगर बेच रहा है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग एनी कोर्स, बट द थिंग इज कि आप लोगों ने अगर कोई दूसरा कोर्स खरीद लिया और आपको अभी भी फील होता है दिल से कि यार सिग्मा बहुत बढ़िया कोर्स है जो कि है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए यार, कट योर लॉसेज एंड ज्वाइन, क्योंकि आप एक बार अपना करियर बना लोगे तो फ्यूचर में आप लोग को ये सब चीजें कुछ भी नहीं लगेंगी। आप लोग आने वाले टाइम में पीछे मुड़ के देखो तो आप लोग भी कहोगे हाँ यार हमने एक पेड कोर्स लिया था, फिर उसके बाद हमने एक फ्री कोर्स लिया जिससे हमें समझ में आया, और आप लोग का एक बार कैरियर बन गया तो ये सब चीजें फ्यूचर में मैटर भी नहीं करेंगी यार। तो डू व्हाट इज राइट फॉर यू, और आप अपना सही गलत समझते हुए काम करो। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी लिखते हुए अपने गांव और ताऊ दोनों की जमीन मेरे नाम करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।